हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अब मोलू भी पहले से ठीक है तो मैं खुश हूँ। तो आज है ना, मैं आपके साथ में कुछ चीज शेयर करने वाली हूँ और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी। सो आप लोगों को अगर परचेज करना हो तो पहले ही बता देती हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग कॉमेंट में मुझसे पूछते हो कि दी ये कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। तो जो भी चीजें मैं बताती हूँ ना, उनकी एक लिंक होती है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है, उसको चेक करिए और वहां से आप उन चीजों को ले सकते हैं। सो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये वाले प्रोडक्ट। इसका नाम है मार्स बाय GAC और ग्रोविंग बी हेयर नरिशिंग शैम्पू। ये वाला प्रोडक्ट है जो मार्स का, ये मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये इसका कवर है, ये इसकी बॉटल है। तो ये बॉटल बाहर इसलिए है क्योंकि ना इसको मैं यूज कर रही हूँ और मेरे बालों पे मैंने आज ही यूज किया है। देखो, वैसे आप लोगों को पता है कि मेरे बाल हैं ही ऐसे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये शैम्पू मैंने यूज करके देखा तो पहले क्या है कि कोई भी चीज हम यूज करेंगे और आज ही नहीं, मुझे ये एक महीने से ज्यादा ही हो गया है यूज करते करते। उसके बाद मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने शायद 15-20 दिन पहले ना इसकी एक वीडियो शेयर की थी, जो चेहरे की मैंने सीरम वगैरह बताई थी उस। तो ये सारे प्रोडक्ट मैं साथ में ही यूज कर रही हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका एक्चुअल रिव्यू और ऑनेस्ट रिव्यू की क्या है, कैसा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम बता देती हूँ मैं आपको, हेयर नरिशिंग शैम्पू। तो ये आपके ना हेयर को काफी अच्छे से नरिश करता है। आपके ना हेयर देखिए, जब इसको यूज करेंगे ना तो कितनी शाइन आ रही है देखिए। अब मेरे बाल कुछ तो है भी अच्छे और शैम्पू भी अच्छा यूज करते हैं ना, तो ऑलरेडी आपके बालों में शाइन आती ही है। और बस वही है कि ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू मत यूज करो, मैं खुद ही मना करती हूँ, क्योंकि जिनमें ज्यादा केमिकल होता है ना वो बाल एकदम ड्राई झाड़ू जैसे हो जाते हैं। सो वो नहीं करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। वैसे तो इसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है ना कि मैं आपको पढ़ के बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो सारे इंग्रेडिएंट्स तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो मैं आपको बता देती हूँ और हम लोगों को वही समझ में भी आएगा। सारा पूरा भरा हुआ है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। सो फाइनली इसको तो मैं बॉटल को यहाँ रखती हूँ। और इस बॉटल की खासियत बताऊं, इसको आपको कहीं से ओपन नहीं करना है, इसका जो अंदर कैप आएगा ना उसको हटा देना है, जैसे कि मैंने हटा दिया। और यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, प्रेस करिए, ढक्कन ओपन हो गया, शैम्पू निकालिए और फिर से बंद कर दीजिए, क्योंकि काफी लोग सोचेंगे इसको हम यूज कैसे करें, तो वो भी बताना जरूरी होता है। सो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए काफी हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स होता है। एक तो क्या है कि एलोवेरा हमारे बालों को बहुत अच्छी शाइन प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बालों में शाइन काफी होती है, आप लोग भी हमेशा कहते हो, तो एलोवेरा हमारे बालों में शाइन प्रोवाइड करता है। सेकंड, एलोवेरा का काम है कि डैंड्रफ होती है जो उसको हटाने में बहुत ज्यादा काम करता है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो शैम्पू है इसके अंदर आपको एलोवेरा के गुण देखने को मिलते हैं। सो डैंड्रफ हटाने में ये बहुत ज्यादा काम करेगा आपके स्कैल्प से एंड आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में काफी हेल्प करेगा। और सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है कैफीन। तो कैफीन कॉफी के अंदर पाया जाता है, आप सबको पता है, और कॉफी हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल होती है। हम लोग मेहंदी में कॉफी का यूज करते हैं, कलर के लिए मेहंदी हम ना कैफीन कॉफी का यूज करते हैं, तो उसी तरह से ये ना कैफीन जो है ना ये आपके बालों में रीग्रोथ लाने में हेल्प करता है, आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, शाइन प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि आपने हेयर अपने शैम्पू लगाया और आपके जो भी कलर है बालों के वो निकल जाए, यानी जो नेचुरल कलर होता है ना बालों का वो प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि शैम्पू लगाओगे तो आपके बाल पीले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। नेचुरल कलर, जैसे कि मेरा है नेचुरल कलर है, तो ये कलर मेरा खराब नहीं होता, मेरे बाल एकदम ड्राई नहीं होते और बालों को झड़ने से रोकता है। कैफीन है ना हमारे बालों में न्यू ग्रोथ लाता है एंड हमारे बालों को झड़ने से बहुत हद तक रोकता है, और आपके बालों में जो ग्रोथ रुक गई है ना, यानी आपके बालों में रीग्रोथ लाने में काफी हेल्प करता है। जैसे कि बालों की ग्रोथ रुक गई है तो चलो आप इस शैम्पू को यूज करो तो धीरे धीरे आपके बाल है ना वो आने लगेंगे। और इसके साथ में मैं एक ऑयल भी यूज कर रही हूँ आजकल, सो उसका भी रिव्यू आपको दूंगी, लेकिन ऑयल को मुझे थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा तभी मैं बता सकती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को आप कम से कम एक महीने लगाओगे उसके बाद ही रिजल्ट मिलता है। तो ऑयल का जो फिर ना मेरा कम से कम 1.5-2 महीना हो जाएगा तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऑयल भी है, वो चीजें आपको बाद में बताऊंगी। और उसके साथ थर्ड इन्ग्रीडियंट्स है आर्गन ऑयल जो है ना
वो आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल होता है ना आपकी स्कैल्प में आपके बालों में वो प्रोवाइड करता है। इस शैम्पू के अंदर वो ऑयल है, तो उससे क्या होगा कि आप है ना जो बहुत ज्यादा ड्राई शैम्पू होते हैं ना उनको यूज करते हैं तो आपके बाल एकदम कड़क कड़क से हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं होती, आपके बाल एकदम स्मूथ रहेंगे, सिल्की रहेंगे, शाइन रहेगी आपके बालों में। तो ऐसा नहीं है कि इस शैम्पू को लगाने से आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, आधे से कट कट के टूट टूट के गिर रहे हैं, वो चीज नहीं है। शैम्पू को मैंने खुद यूज किया है, बाल धोने के बाद है ना बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और बाल टूटते भी कम है। तो मेरी तरफ से तो भाई डन है, मुझे तो ये ठीक लगा, अच्छा लगा। और अगर आप लोग भी लेना चाहें, इंटरेस्टेड हो, तो आप है ना आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इसकी जो प्राइस है ना, पहले तो बता दूं कि 200 ml में आपको मिलता है फ्री है, और पैराबिन जो होता है ना जो कि हमारे बालों को बहुत ज्यादा ही नुकसान करते हैं, सल्फर एंड पैराबिन। तो आप कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज करते हो ना तो आप उसको चेक किया करिए कि उसके अंदर एक तो सल्फेट नहीं होना चाहिए और एक पैराबिन नहीं होना चाहिए। अगर ये दो चीज किसी ने प्रोवाइड की है ऊपर, तो समझिए उसका प्रोडक्ट यूज करने लायक है। सो इन्होंने ऊपर ही बताया है, अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप वहां देख लेना। और ये 200 ml में आता है, और इसकी जो प्राइस है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी प्राइस है 479। इसकी प्राइस है 479, लेकिन आपको अगर आप इसे परचेस करोगे ना तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें जो प्राइस लिखी होती है ना बिल्कुल फिक्स उसी प्राइस पे आपको नहीं मिलते हैं प्रोडक्ट, थोड़ा सा आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैंने यूज किया, मुझे ये प्रोडक्ट अच्छे लगे, ठीक लगे, इसी वजह से फिर मैं आपके साथ में ना ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लीजिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए कह देती हूँ पहले से ही कि मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर देती हूँ, मेरा काम है आप लोगों को चीजों के बारे में बताना। सो मैं बता रही हूँ जैसा कि मुझे ठीक लगा मैंने आपको बताया। अगर आप इच्छुक हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन ओपन करिए, लिंक पे क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उस ऐप पर पहुंच जाएंगे, मार्स की ऐप पर, वहां से आप इसे ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्स जो है ये एक इंडियन ब्रांड है, तो इंडियन ब्रांड की चीजें है ना वैसे भी बहुत ज्यादा यानी हार्मफुल नहीं होती है, तो ये इंडियन ब्रांड है और काफी अच्छी ब्रांड है। इसकी मैंने सीरम भी यूज किया, बेस्ट लगा, और रोलर भी यूज किया, दी बेस्ट लगा, और शैम्पू भी यूज किया, ये भी मुझे ठीक लगा। मैं भी ये आप लोगों के सामने है, आप लोग मेरे बालों को हमेशा देखते हैं, मैं अपने बालों पे कोई भी केमिकल वाली चीजें यूज नहीं करती, और यही रीजन है कि मैं अपने बालों में कोई कलर नहीं करती, कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरे बालों से प्यार है, तो बालों पर एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करती। बट ये जो शैम्पू है मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आप लोग चाहें तो बाय कर सकते हैं, और फोर्स में किसी को नहीं करूंगी, जो जेन्युइन रिव्यू है वही मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो गो, आप लोग ले सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिए। और इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको यहाँ दिखेंगे, सो मैं आपको ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप वहां देख लेना। और इसका मैं अभी एक ऑयल भी यूज कर रही हूँ, तो उसको पहले यूज करूँ फिर उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और जो भी होगा रिजल्ट वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ भी फेक नहीं। और जहां तक मुझे ये चीजें प्रोडक्ट जो है ना ये अच्छे लगे हैं, इसी के बाद मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हो गए मुझे 1.5-2 महीने जैसे हो चले हैं इनको यूज करते करते, अब तो ये ना खाली हो चुकी है, अब आवाज तो आएगी नहीं शैम्पू है, पर इतनी तो मेरी हो चुकी है, इतनी बोतल ये हो चुकी है इतनी, अब इतना और रह गया है, खाली हो जाएगी तो देखूंगी और मंगाऊंगी। और प्राइस, हाँ आप लोगों को लगेगा कि प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप अगर आप लोगे तो आपको थोड़ा बहुत इसमें डिस्काउंट मिल जाता है, सेम प्राइस पर नहीं चीजें मिलती है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सो बस आज मैं आप लोगों के साथ में यही चीज शेयर करने वाली थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज जरूर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी ऑयल जो है ना जिसको मैं यूज कर रही हूँ उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी।